अब पता चला कि वो नंगी क्यों थी। जानते हो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि देखो, हमारे शरीर पर कपड़े हैं। कपड़े इसलिए हमने पहन रखे हैं क्योंकि हमें पता है कि स्त्रियां हैं और ये पुरुष, इसलिए हमने कपड़ा पहन रखा, ढक रखा अपने आप को कि भाई ऐसा अच्छा लगता है ढका हुआ शरीर। हमें सबको, हमें पता है ना कि स्त्रियां बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, मर्यादा में रहना चाहिए। परंतु वो जो साधु होते हैं, जो निर्वस्त्र रहते हैं जंगलों में भी, और कई बार तो फक्कड़ साधु ऐसी रहते हैं, वो क्यों रहते हैं? कारण ये है कि वो हमारी सोच से ऊपर उठे हुए, उनके अंदर स्त्री और पुरुष का कोई ज्ञान नहीं बचा। जैसे छोटा सा बच्चा नहीं जानता कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता, जानता है? बोलो हाँ या ना। छोटा सा बच्चा नहीं जानता कि स्त्री और पुरुष क्या होता है, इनमें भेद क्या होता है। जो साधु सांसारिक बातों से ऊपर उठ गए हैं, वह अब बच्चों की तरह हो गए हैं। और जब व्यक्ति स्वयं अपने ज्ञान से उस बच्चा बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, तो फिर कपड़े के पर्दे को छुड़ाना नहीं पड़ता। ये तो सांसारिक पर्दे हैं, अपने आप छूटते चले जाते हैं। ये ऊपर की स्थितियां, ये सबके बस की बात नहीं है। जिसके अंदर शरीर के प्रति आसक्ति है, शरीर के प्रति मोह है, शरीर के प्रति लगाव है, वह व्यक्ति भगवान तक कैसे जाएगा? जिसको शरीर का बोध नहीं है, जो अपने शरीर को भूल चुका है भगवान की याद में, उसी को ज्ञानी जन कहते हैं। इसे आत्मबोध हो गया। बहुत ऊपर उठना पड़ता है मेरी माँ, मान अपमान लज्जा इत्यादि से बहुत ऊपर उठना पड़ता है। आप इतना ऊपर उठने को तैयार हैं तो भगवान से मिलने को कोई नहीं रोक सकता। और आप एक तरफ आप कहते हैं कि नग्न साधु आपकी सोच से ऊपर हैं, जो निर्विकार हो चुके हैं वो फिर वस्त्र त्याग सकते हैं। दूसरी तरफ जैन साधु के विषय में जब कोई महिला आपसे पूछती है तो आप कहते हैं वो अव्यवहारिक है, समाज में अच्छा नहीं लगता। तो यह वक्तव्य जो आपने पहले दिया कि समाज में अच्छा नहीं लगता, निश्चित रूप से समाज में वैमनस्य पैदा कर सकता है, द्वेष पैदा कर सकता है जैन साधुओं के प्रति। इसलिए दिगंबर जैन साधु शब्द का उपयोग करके आप कहें कि वह साधु वास्तव में तप में उत्कृष्ट हुआ करते हैं, उनकी त्याग तपस्या के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए वो परम श्रद्धेय हैं, परम आदरणीय हैं।